हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की कंपनीज के बारे में। और आज इसमें जो नाम बात करते हैं वो है विप्रो। विप्रो का शेयर काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स में देखने को भी मिला है आपको। अभी इसका जो 52 वीक लो था 146 था, और उसके बाद ये 700 के आसपास तक भी गया। और आज जानेंगे इस कंपनीज के बारे में, और ये कंपनी क्या काम करती है, और कैसे लिस्टिंग हुआ इसके अंदर, इसका रिटर्न क्या रहा है अभी, और इसका क्या ओवरव्यू है। पहले हम बात करते हैं विप्रो लिमिटेड इज़ ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी। हेडक्वार्टर इन कहाँ पे इसका, बेंगलोर में है, कर्नाटका में है। दे यूज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग हाइपर ऑटोमेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीन्स लर्निंग ML रोबोटिक्स क्लाउड एनालिटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प देयर क्लाइंट्स अडॉप्ट टू द डिजिटल वर्ल्ड। इट क्लियर्स टू कस्टमर टू अक्रॉस 6 कंटिनेंट्स। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप और स्टॉक्स के बारे में। अब जो इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है अभी 636 का है अभी, जो करंट जो प्राइस है विप्रो लिमिटेड का। और जो इसकी जो मार्केट कैप है ये है 348,846 करोड़ की। और हम बात कर लेते हैं इसकी बुक वैल्यू से, तो इसकी बुक वैल्यू है 113 की, यानी कि ऑलमोस्ट 6 टाइम के आसपास की इसमें अभी ये ट्रेड कर रहा है अपने मार्केट प्राइस से भी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके 52 वीक हाई लो के बारे में, तो एक साल का जो इसका हाई है वो है 740 का, और लो है 348 का, यानी कि अभी अपने हाई से 100 रुपीज़ के आसपास अभी डाउन साइड्स में है, एंड लो से अभी अपना 200 के आसपास अपसाइड में मूव कर रहा है अभी। 300 के आसपास 300 अपसेट को लो कर रहा है और 100 पॉइंट नेगेटिव यूज कर रहा है, ऑलमोस्ट 400 के आसपास की मूवमेंट है इसकी एक साल में भी। अगर हम स्टॉक के पीई के बारे में बात करें, तो जो स्टॉक का जो पीई है अभी 28.8 का आएगा, एंड डिविडेंड यील्ड है इसका 0.16% है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइज के बारे में, तो इसकी 22.1 की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी है इसकी 19.6 की ROE, और फेस वैल्यू कितने का है 2 रुपीज का है, 2 रुपये इसका, और अर्निंग पर शेयर है इसकी 21.9, एंड प्रॉफिट वार है इसका 4.40 का, और सेल्स ग्रोथ है 14.4% की, और लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ है ओनली 3.86%। चेंज इन प्रमोटिंग होल्डिंग, यानी कि प्रमोटिंग होल्डिंग में इसमें भी सेल किए भी 3 साल के हुए हैं, उन्होंने 2% के आसपास 1.6% के आसपास है कि डिक्रीज किया, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं इसके 548.8 करोड़ के आसपास, यानी कि 548 करोड़ के आसपास इसके नंबर ऑफ इक्विटी है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से। देखा जाए जो इसमें जो प्रमोटर जो होल्डिंग है अभी तक 73% की है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग। और बात की जाए इसमें FIs की होल्डिंग के बारे में, तो FIs के पास 9.69% शेयर है, और बात की जाए इसमें DIs की, तो टोटल जो इक्विटी स्टॉक्स हैं इसके 2.05% के आसपास हैं, एंड पब्लिक के पास है कितने 14.92, और अदर्स के पास है 0.3%, 2% के आसपास। जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है ये प्रमोटर होल्डिंग बेस्ड कंपनी है, सबसे ज़्यादा किसके पास है प्रमोटर के पास है। अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में, और इसके बारे में हमने बात की अभी। विप्रो का जो स्टॉक्स हैगा ये कब लिस्टिंग हुआ था, 8 नवंबर 1995 को इसका स्टॉक्स लिस्टिंग हुआ था NSE में। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी थी। इसका पीई था 30.53 का, एंड सेक्टोरियल का है 35.96 का, और आईटी सेक्टर की कंपनी है। और जो इसमें जो लिस्टिंग स्टॉक्स हैंगे, नंबर ऑफ लिस्टिंग स्टॉक्स है इसमें 548 करोड़, यानी कि 548 करोड़ 11,34,530 शेयर इसमें लिस्टिंग है। फेस वैल्यू है इसकी 2 रुपये की जो है। अगर इसके करंट प्राइस के बारे में बात करें, तो 644 का इसका जो करंट प्राइस है, और जो अगर इसके अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में बात करें, तो जो 52 वीक जो लो है इसका वो है 347 का है, एंड जो हाई है इसका 739 का है। और अगर हम इंट्राडे में अगर बात करें, तो इंट्राडे में अभी जो इंट्राडे का जो हाई लो है 643 का लो है, एंड 649 का इसका हाई है। अगर हम देखें इसको अब पॉइंट ऑफ व्यू से,
स्टार्ट होकर आया था पहले अभी, और अभी ये काफी बुल साइड्स में अभी ट्रेड कर रहा है। और लास्ट कोरोना टाइम से अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास का इसका डाउन साइड्स का रेट बना के आया था ये वाला भी, अप्रोक्सीमेटली में 150 के आसपास। देन इसने अपसाइड्स के अंदर मूव दिए, काफी ज्यादा अच्छी मूव दी है इसने, और ज्यादा और इसके बाद ये हाई बना गया 740 के आसपास। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसने 5 times से ऊपर की इसने टर्न दे दी अभी अपने लो से और हाई के बीच में, और अभी भी ये काफी अच्छा है इन्वेस्टिंग के पर्पज के हिसाब से। और अभी भी अगर हम देखते हैं इसके स्टॉक्स के बिहेव के बारे में तो ऑलमोस्ट अभी उसका जो फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है अपने को 600 के आसपास देखने को मिलता है, और अभी करंट में जो ट्रेड कर रहा है 644 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये, और जो इसका हाई था 740 का आने वाले टाइम में लगता है कि ये इसको भी बियर कर सकता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा लास्ट चार्ट के अंदर भी फिर दोबारा सपोर्ट पे आया है, फिर दोबारा अपने लाइन से सपोर्ट पे आया है। देन अगर ये यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो देन इसके बाद इसका सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो है अपने को 450, एंड देन जो नेक्स्ट पहला सपोर्ट है ये, और सेकंड सपोर्ट 550 और 450 के आसपास का इसका सपोर्ट देखने को मिलता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। और ट्रेंड है इसका वैसे अपसाइड्स के अंदर, और ये ज्यादा चांस से जा सकता है अभी 740 को क्रॉस करके 100 rupees एन ऊपर, एंड देन इसके बाद 820 एंड 880 के आसपास का इसका मूव देखने को जल्दी मिल सकता है, ये आने वाले एक साल के अंदर की जो मूव हैगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।